हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सूट स्टिचिंग का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने गला बना के देखा था, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम सेकंड पार्ट में इसमें सूट को फिटिंग करना सीखेंगे, तो गाइस आज का जो पार्ट है वो मैं सूट को किस तरीके से फिटिंग किया जाता है ये हम लोग करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सूट को फिटिंग करने के लिए पहले दोनों भाग को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेना है, और ये देखना है कि जैसे अगर बॉडी का मेज़रमेंट आप लिए हो, उसको लिखे हैं कहीं, तो अगर इंची टेप से यहाँ पे निशान लगा रहे हैं तो दोनों साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको बराबर भाग में छोड़ना है। अगर एक साइड में हमारा कम रहेगा जो छोड़ने वाला कपड़ा रहता है एक्स्ट्रा मार्जिन, और एक साइड में ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे में जो चौक बनता है, चौक का भी एरिया कम ज़्यादा होने की वजह से सूट तिरछा हो सकता है। तो ऐसे में सूट पहनने के बाद एक ही साइड में एक ही दिशा में भागेगा। तो दोस्तों जब भी आप फिटिंग का निशान लगाएं, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो चौक का एरिया है और जो फिटिंग का हम निशान लगाएंगे उसे एकदम बीचों बीच में रखना है, और साइड साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े रखे हैं उसे बराबर भाग में छोड़ना है, ताकि सूट जब स्टिच होकर तैयार हो और उसको जब पहने तो एक साइड में ना भागे। और अगर हम कुर्ती रख रहे हों इसके मेज़रमेंट के लिए, तो भी उसी चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि दोनों साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े छूटें बराबर भाग में, नहीं तो वही जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि अगर कपड़ा एक साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा रहेगा और एक साइड में कम रहेगा, तो ऐसे में सूट एक ही दिशा में भागेगा और सूट का जो लुक है वो सही नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स जो है हमें इसी बात का जो है ख्याल रखना है सूट को फिटिंग करते समय। तो जैसे हम कुर्ती का फिटिंग ले रहे हों तो हमें कुर्ती इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से, और जहाँ पे चौक का एरिया है उसे हमें ध्यान रखना है कि ये चौक का एरिया है, यहाँ से जो स्लिट होता है खुला रहता है, यहाँ से चौक बनेगा पूरा उस साइड तक। तो कुर्ती का नाप लेते समय सेम वही चीज़ का जो मैंने अभी बताया है उसी चीज़ का ख्याल रखना है, दोनों साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े को बराबर भाग में रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे अगर आप कुर्ती का नाप ले रहे हो तो कुर्ती को रखा पहले, और दोनों साइड में इंची टेप से एरिया आप नाप लीजिए कि कितना एक्स्ट्रा मार्जिन छूटा है, तो उसी हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन बराबर भाग में छूटा रहे, और फिर तभी आप निशान लगाइए। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच है, तो सेम वही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि 2.5 इंच जब एक साइड में हमारा है तो दूसरे साइड में भी 2.5 इंच का ही एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच रख लेना है। और बीच का जो फिटिंग का निशान है उसका भी ख्याल रखना है, अगर बॉडी मेज़रमेंट लिए हो तो उसका हमें आधा आधा करके रखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से निशान लगा लिया, और यहाँ जो हमारा आर्म होल का एरिया है, आर्म होल का एरिया भी हमें ख्याल रखना है कि कितना छूटा हुआ है, तो यहाँ पे 2 इंच छूटा है, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इधर भी 2 इंच ही होना चाहिए। 2 इंच से अगर कम या ज़्यादा हो तो इस सूट को थोड़ा सा इस साइड में खिसकाइए, और यहाँ पे दोनों में जैसे 2 इंच 3-3 पॉइंट करके एक्स्ट्रा लेके रखिए। तो जैसा कि चौक का एरिया ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाके ही हमें मिला देना है, तो ये चौक का एरिया है और इधर भी चौक का एरिया है, तो दोनों का एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े को हमें यहाँ भी ध्यान रखना है, तो यहाँ भी 2 इंच ही है और इधर भी नाप के देख लेना है 2 इंच, तो दोनों साइड में हमें बराबर रखना है। तो गाइस ये मैंने एकदम सही तरीका बताया है निशान लगाने का, अगर आप इसको फॉलो करके सूट की फिटिंग देंगे, चाहे आप बॉडी से मेज़रमेंट लिए हों या फिर सूट की फिटिंग, सूट जैसे कुर्ती का नाप लेके यहाँ पे रख रहे हों, तो एकदम
सूट का जो नाप है एकदम सही तरीके से उतरेगा। तो अभी यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है दोनों साइड में। जहाँ पे चौक का निशान लगा हुआ है वहाँ तक लाके हमें रोक देना है ये। सेम इसी तरह हमें इस साइड भी सिलाई कर लेनी है जो निशान हमने लगाया है फिटिंग का। तो गाइस हमने दोनों साइड में फिटिंग के निशान पर सिलाई कर लिया है। तो दोस्तों आज के सीरीज़ में हमने सूट को फिटिंग करना सीखा है। सूट को फिटिंग करते समय अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।